के बाजारों में सावन के महीने में होने वाले फूलों की बहार, जिसे लेने बड़ी संख्या में लोग बाजार पहुंच रहे हैं। फूलों की कीमत की यदि बात करें तो फूल 1200 रुपए किलो में बिक रहा है, लेकिन कीमत को किनारे करते हुए लोग स्वाद को महत्व दे रहे हैं। सीजन में दुर्ग का पटेल चौक, जहां पर इन दिनों जो है वो पूटू की बहार छाई हुई है, बड़ी संख्या में लोग पूटू लेने के लिए पहुंच रहे हैं। दुकानदार भी जो है ग्राहकों से काफी खुश हैं। पूटू लेने के लिए जो ग्राहक यहां पर पहुंच रहे हैं मनचाही कीमत में, क्योंकि साल में एक बार पूटू आता है बारिश के सीजन में, उसे लेने के लिए ग्राहक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। आइए हम दुकानदार से पूछते हैं किस रेट में आखिर पूटू यहां पर बिक रहा है और किस तरीके से रोजाना इनकी बिक्री हो रही है। पूटू लेकर पहुंचे यहां पर, आइए हम विक्रेता से बात करते हैं किस तरीके से वो इस पूटू को लेकर के यहां आए हैं। पूटू किन किन सीजनों में मिलता है और किस तरीके से इसकी बिक्री होती, कितना रेट अभी फिलहाल पूटू का चल रहा है? जी भैया बताएंगे अभी पूटू आप ये कहाँ से लाए हैं, किस रेट, एक से किस रेट में बिकता है? ये 300 रुपए पाव से लेके 500 रुपए पाव, 400 रुपए पाव तक का बिकता है। इसकी कीमत जो स्टार्टिंग रहती है वो करीबन 2000 रुपए किलो रहती है, जिसे हम लोग दल्ली राजरा मानपुर मोहला या सिहावा नगरी या आपका गंडई के तरफ से, उधर से हम लोग इसको जंगलों से लेके आते हैं। वहाँ जंगल में रहने वाले गौड़ प्रजाति के लोग इसकी जो है जंगलों में जाके इसे निकालते हैं और बाहर मार्केट में हमको ला के देते हैं। अभी इसके लिए कितनी मेहनत आपको, जिस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं, मैं आप चाहूंगी कि दिखाएं यहाँ पर कि किस तरीके से इसे बिल्कुल साफ सुथरा किया जाता है और ग्राहकों तक पूरी सफाई के साथ पूटू को पेश किया जाता है। जी जी मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा यहाँ पर दिखाएं कि पूटू शुरुआत में कैसा रहता है, उसके बाद साफ सफाई होने के बाद पूटू किस तरीके से दिखता होता है। जंगलों से देखिए ये इस प्रकार से निकाल के इसे लाया जाता है और इसमें मट्टी वगैरह बहुत सारे कंकड़ गर्दा मतलब खराब चीजें रहती हैं, मट्टी वट्टी, और इसे हम इस प्रकार से गट्ठी बांधते हैं। उसके बाद इसे धो धो के पूरा व्हाइट कर देते हैं, साफ सुथरा होने के बाद ये ऐसा व्हाइट पन में आता है और इसे फिर हम इसके बेचते हैं। अभी किस रेट में आप दे रहे हैं? अभी हम लोग इसे 300 रुपए पाव से लेके 400 रुपए पाव। ग्राहक रोज इतना महंगाई देखने के बाद भी इसे लेने आ रहे हैं? इसको ग्राहक लोग लेते हैं और पसंद भी करते हैं, क्योंकि ये कुदरती चीज है जिसकी, इसका न बीज होता है न इसकी खेती होती है, ये बारिश में सावन के महीने में होता है और जिसे हिंदू लोग इसे खाते हैं नॉनवेज समझ के। यहाँ पूटू लेने पहुँचे कुछ ग्राहकों से हमने बात की, आइए उन्होंने पूटू को लेकर के क्या कहा। जी मैडम बताएंगे आप यहाँ पर पूटू लेने आई हैं, कैसे किलो मिला, आप पूटू के रेट से संतुष्ट हैं? देखिए रेट तो बहुत ज़्यादा है, 1200 रुपये, आम आदमी जो है उसके पहुँच से तो दूर है, लेकिन हम लोग ले सकते हैं और लेते हैं क्योंकि ये पौष्टिकता से भरपूर है और सावन के महीने में कुछ और नहीं खाते हैं, तो कम से कम इस बार तो सावन भी 2 महीने का पड़ा है, तो ये पूटू बहुत अच्छा विकल्प है उसके लिए। तो मैं अभी आधा किलो लेके जा रही हूँ और निश्चित तौर पर पैरा फूटू भी हमारे छत्तीसगढ़ में निकलता है, वो भी बहुत पौष्टिकता से भरपूर है, तो उसी के इसमें आज मैं लेके जा रही हूँ। किस तरीके से पूटू को बनाया जाता है? एकदम चिकन के स्टाइल में बढ़िया से सफाई करना है, उसके बाद जैसे चिकन बनाते हैं वैसे बनाना है, और हमारे बच्चे और बाकी लोग भी हैं परिवार के, बहुत खुश होते हैं इसको खा के। और निश्चित तौर पर अपने पहले तो कुकुरमुत्ता बोला जाता था जी जी। लेकिन आज ऐसा है कि इसका महत्व जब लोगों को समझ में आया है तो बहुत पौष्टिकता से भरपूर होने के कारण सभी लोग खाते हैं। जी आप यहाँ किस लिए बाजार पहुँचे हुए? ये पूटू लेने के लिए। पूटू बहुत महंगा है, महंगा होने के बाद भी आप उसे ले रहे हैं? वही अभी रेट पता करने आया था, लेकिन रेट कुछ ज्यादा महंगा बता रहे हैं। रेट तो ज्यादा है, लेकिन यहाँ रेट आप देखेंगे कि स्वाद देखेंगे? स्वाद जिस तरीके से इन्होंने बताया कि ये यहाँ पर पूटू का जिस तरीके से बहार छाई हुई है, आपने देखा कि इनका जो ग्राहक पहुँचे हुए हैं उनका कहना है कि ये रेट नहीं देखेंगे बल्कि स्वाद को देखेंगे, मतलब इस चीज़ से इस चीज़ बात की जानकारी हो जाती है कि पूटू जो यहाँ पर मार्केट में पहुँचा हुआ है उसका कितना महत्व है, कितने चाव से उसे लोग लेकर के जा रहे हैं और उसे जो है अपने खाने में शामिल कर रहे हैं। निश्चित तौर पर पूटू जो है साल में एक बार ही आता है, लेकिन साल भर में एक बार आने के बाद जो है ग्राहक जो है बिल्कुल पूटू की ओर टूट पड़े हैं, कितनी ललक से उसे लेने आ रहे हैं और उसे बराबर खाएंगे, क्योंकि
महंगा जरूर है, लेकिन इससे देखा आपने जिस तरीके से ग्राहकों और पुटू बेचने वाले विक्रेताओं ने हमें बताया कि किस तरीके से वो पुटू को लेकर के बाजार में आए हैं। साल में सिर्फ एक बार ही पुटू आता है, जिसे लेने के लिए अभी ग्राहकों की यहाँ पर जो काफी भीड़ लगी हुई है। और ग्राहकों का कहना है कि पुटू को के स्वाद को देखते हुए वो यहाँ पर पैसे की फिक्र नहीं करेंगे, कीमत की चिंता नहीं करेंगे उसे, बल्कि स्वाद की चिंता करते हुए जो है वो पुटू को लेने मार्केट।